भैरव बाबा को प्रसन्न करने का उपाय। भैरव बाबा शिव जी के साहसी और युवा रूप है, इसे रुद्रावतार भी कहते हैं। वो शत्रुओं और संकट से मुक्ति दिलाते हैं। यदि भैरव बाबा को प्रसन्न कर दिया जाए तो जीवन की कई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जैसे भैरव जी को प्रसन्न करने के लिए 1.25 किलो जलेबी का भोग लगाएं। यह भोग भैरव जयंती या बुधवार के दिन लगे। भैरव मंदिर के पास बैठे भिखारी को मदिरा पिलाएं। इन्हें 33 अगरबत्तियां लगाएं। भैरवनाथ को चढ़ाएं 5 नींबू 5 नींबू 5 गुरुवार या काल भैरव जयंती के दिन भैरवनाथ को चढ़ाएं। भैरव बाबा की पूजा करने के लिए अष्टमी और नवमी के दिन को महत्वपूर्ण बताया गया है। इस दिन साधक को प्रातःकाल स्नान करके प्रसाद में खीर पूरी और हलवा आदि तैयार करना चाहिए। भैरव बाबा को प्रसन्न करने के लिए इनके नामों का जाप करें। भैरव अष्टमी के दिन भैरव जी को काली उड़द की दाल से बने पकवान का प्रसाद चढ़ाया जाता है। काली उड़द की दाल से बनी हर चीज को सरसों के तेल में ही तला जाता है। उड़द दाल से बने दही बड़े, गुलगुले, इमरती, कचौड़ी, पकोड़े आदि का भोग लगाने से भैरव जी प्रसन्न होते हैं। मंगलवार को भगवान काल भैरव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं, साथ ही नीले रंग के फूल भी चढ़ाएं। काल भैरव की सवारी कुत्ते को कहा गया है, इसलिए इनकी प्रसन्नता हेतु कुत्ते को दूध पिलाएं, सरसों के तेल से चिपड़ी हुई रोटी खिलाएं। बुधवार के दिन 125 काले तिल, 125 ग्राम काली उड़द, 11.25 रुपए, 1.25 मीटर काले कपड़े में पोटली बनाकर भैरव जी के मंदिर में चढ़ा दें तथा अपनी मनोकामना कह दें। तुरंत ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए 3 दिन विशेष रूप से तेल का एक उपाय करें। इसमें रविवार, बुधवार या गुरुवार को एक रोटी पर अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली से तेल में डुबोकर लाइन खींच दें। फिर तेल वाली इस रोटी को चितकबरे कुत्ते को खिला दें। अगर कुत्ता रोटी खा लेता है तो भैरव देवता का आशीर्वाद मिलता है। काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए काल भैरव अष्टमी के दिन तेलीय खाद्य पदार्थ जैसे पापड़, पूरी, पुए और पकोड़े भगवान को भोग लगाएं। इसके बाद अगले दिन इन्हें गरीब और जरूरतमंद लोगों को बांट दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।